हेलो स्टूडेंट्स, तो आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर 2 करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम आज क्या पढ़ेंगे, किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आज फर्स्ट किंगडम आएगा, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या आएगा, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्या है बच्चे टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, लीनियस, आपने नाम सुना है लीनियस का, कैरोलस लीनियस का, ठीक है। तो लीनियस ने क्या किया, लीनियस ने प्लांट्स और एनिमल्स दो किंगडम बनाए, ठीक है। लीनियस ने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया, आइदर कि वो प्लांट्स होंगे या फिर वो एनिमल्स होंगे, तो दो किंगडम बना दिए, ठीक। आइदर वो क्या होंगे, प्लांट्स होंगे या फिर वो क्या होंगे, एनिमल्स होंगे, तो दो किंगडम बना दिए। प्लांट के किंगडम को क्या बोला, किंगडम प्लांटी, और एनिमल्स के किंगडम को क्या बोल दिया, जिसके अंदर एनिमल्स थे, किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। किसने दिए ये दो किंगडम, लीनियस ने, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, लीनियस ने दिया, ठीक है। कौन कौन से दो किंगडम थे, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। अब किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, इसने दो किंगडम दिए, किस बेसिस पे दिए, ये दिए इसने सेल वॉल के बेसिस पे, कि आइदर तो सेल वॉल प्रेजेंट होगी या फिर सेल वॉल एब्सेंट होगी। अगर सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो वो प्लांट्स में आ जाएंगे, किंगडम प्लांटी में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो वो किंगडम एनिमेलिया में आ जाएंगे, ठीक है। तो प्लांटी और एनिमेलिया ये किस बेसिस पे किया, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, क्लियर है बच्चे, ठीक है, कि सेल वॉल प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इसके बेसिस पे, प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इसके बेसिस पे प्लांटी और एनिमेलिया को, ठीक है, इन्होंने क्या किया, कैटेगराइज किया, कि इन्होंने, लीनियस ने, क्लियर है टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब लीनियस ने एक काम और किया, लीनियस ने किंगडम प्लांटी में क्या थे, प्लांट्स थे, तो लीनियस ने क्या कहा कि प्लांट्स को 24 ग्रुप्स में इसने डिवाइड किया, ठीक है। लीनियस ने क्या किया, प्लांट को 24 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, किस बेसिस पर डिवाइड किया, कार्पल और स्टैमन के बेसिस पर, किसके बेसिस पर, कार्पल या फिर स्टैमन के बेसिस पर। अब ये कार्पल और स्टैमन क्या है, प्लांट्स में क्या होते हैं, कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन एंड स्टैमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। तो यानी कि इसका बेसिस एक तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल हो गया, और दूसरा इसका बेसिस क्या हो गया, सेक्सुअल भी हो गया। तो यानी कि सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलेंगे इसको, ध्यान रखेंगे इसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलेंगे इसको, ठीक है बच्चे। तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखनी है टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी में प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमेलिया में एनिमल्स आ जाएंगे, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है वो कौन हो जाएंगे, प्लांट्स हो जाएंगे, और जिनमें सेल वॉल एब्सेंट है वो कौन हो जाएंगे, एनिमल्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसने प्लांट्स को 24 ग्रुप्स में डिवाइड किया, ठीक है, किस बेसिस पर, स्टैमन और कार्पल के बेसिस पर, जो कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स हैं प्लांट के, ठीक है। तो इसको इसीलिए हमने सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को, इतनी बात क्लियर है। अब ऑब्वियस ही बात है कि अगर हम क्या पढ़ते हैं, इसके बाद हमारे पास थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आता है, तो अगर इसी में ही सारी बातें वैलिड हो रही होती तो थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की कोई नीड ही नहीं होती। तो यानी कि इसमें कुछ ड्रॉबैक्स रही होंगे जिनको ओवरकम करने के लिए थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, ठीक है। तो हम देखते हैं वो क्या ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक ये थी, इन्होंने कह दिया कि सेल वॉल के बेसिस पे किया, कि सेल वॉल प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अब जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है वो सभी क्या कर दिए, प्लांट्स में डाल दिए। सेल वॉल तो प्रेजेंट है लेकिन सेल वॉल की कंपोजिशन सब में क्या है, अलग अलग है, ठीक है। इतने सारे प्लांट्स हैं, हर प्लांट की सेल वॉल कंपोजिशन जो है वो सेम नहीं हो सकती, हर एक प्लांट की सेल वॉल की जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट थी, फिर भी वो एक ही किस में है, किंगडम में है, किस में, किंगडम प्लांटी में। तो ये इसकी ड्रॉबैक थी, क्लियर है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, किसने दिया था, लीनियस ने दिया था, कौन कौन से किंगडम थे ये पता होना चाहिए, इसको और किस नाम से बुलाते हैं ये पता होना चाहिए, किस बेसिस पे किंगडम्स को डिवाइड किया था ये पता होना चाहिए। आई थिंक टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्लियर कट है बिल्कुल, ठीक है, इसको नोट करेंगे, ठीक है बच्चे। अब इसके बाद हमारे पास आता है थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है।
थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया? हैकल ने, ठीक है। थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया? हैकल ने दिया। थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, प्रपोज्ड बाय हैकल, ठीक है। अब हैकल ने कौन सी ईयर में दिया थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? ये इन्होंने दिया 1866 में, ठीक है। अब ऐसा कहा कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है। अब इन्होंने देखा कि ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें प्लांट की भी प्रॉपर्टीज़ हैं और एनिमल की भी प्रॉपर्टीज़ हैं, या फिर जिनमें ना तो प्लांट की प्रॉपर्टीज़ हैं ना एनिमल की प्रॉपर्टीज़ हैं, अब उनको क्या करें? तो उनके लिए इन्होंने एक अलग किंगडम बनाया, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। हैकर ने एक अलग किंगडम बनाया, थ्री किंगडम, कौन सा थर्ड किंगडम बनाया? प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा किंगडम बनाया हैकल ने, क्लियर है, ठीक है। प्रोटिस्टा ने क्या, हैकल ने क्या बनाया? थर्ड किंगडम बनाया, किंगडम प्रोटिस्टा। तो अब टोटल कितने हो गए? फर्स्ट था थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये, तो फर्स्ट क्या था? किंगडम प्लेंटी, सेकंड क्या था? किंगडम एनिमेलिया, और थर्ड क्या आ गया? किंगडम प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा में किनको रखें? जैसे आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं, जैसे सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है यूग्लिना। यूग्लिना एक क्या है? सिंगल सेल्ड फ्लैजेलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। यूग्लिना क्या है? सिंगल सेल्ड फ्लैजेलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सिंगल सेल फ्लैजेलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यूग्लिना। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है यूग्लिना का, ठीक है। तो ये सिंगल सेल फ्लैजेला इसके अंदर प्रेजेंट होता है यूग्लिना में। अब यूग्लिना के अंदर क्या है? यूग्लिना के अंदर प्लांट की प्रॉपर्टीज भी हैं और एनिमल की प्रॉपर्टीज भी हैं। कैसे? यूग्लिना लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड बना लेता है, ठीक है। लेकिन यूग्लिना के पास क्या है? सिंगल फ्लैजेलेटेड, सिंगल सेल्ड फ्लैजेला भी प्रेजेंट है, जैसे कि हम देख रहे हैं इसके डायग्राम में। तो ये क्या करेगा? फूड की सर्च में लोकोमोशन भी शो कर सकता है, क्योंकि सीलिया और फ्लैजेला आर दी मोड्स ऑफ व्हाट? लोकोमोशन, ठीक है। तो यानी कि इसमें प्लांट की प्रॉपर्टी भी प्रेजेंट है और एनिमल की भी प्रेजेंट है। प्लांट की तो ये होगी कि वो अपना फूड प्रिपेयर करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। और एनिमल की क्या होगी? कि वो मूवेबल होगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द सर्च ऑफ देयर फूड, क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो उन्होंने क्या किया? यूग्लिना को, इसमें प्लांट और एनिमल दोनों की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट थी, तो इसको इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस किया, क्लियर है। हैकल का थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको नोट करेंगे। इसके बाद हमारे पास आया फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया, अब उसकी बात होगी। फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था बच्चे कोपलैंड ने। किसने दिया? कोपलैंड ने दिया, ठीक है। फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया बेटा जी? कोपलैंड ने दिया, ठीक है। अब कोपलैंड ने क्या बोला, कौन सी ईयर में दिया? 1956 में, ठीक है। अब कोपलैंड क्या कहते हैं कि हमने प्लांट्स, किंगडम प्लेंटी में प्लांट्स रख दिए, किंगडम एनिमेलिया में हमने एनिमल्स रख दिए, अब उन दोनों के अलावा भी जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं तो सेम थी, आइदर प्लांट जैसी भी और एनिमल्स जैसी भी, उनको प्रोटिस्टा में रख दिया। अब उन्होंने कहा कि प्रोटिस्टा के अंदर भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स देखे जिनकी नेचर जो था बिल्कुल प्रोटिस्टा के बाकी मेंबर से अलग था, उनको इन्होंने बोल दिया बैक्टीरिया, और उनको कोपलैंड ने एक अलग किंगडम प्रोवाइड करवा दिया पूरा का पूरा बैक्टीरिया को, किंगडम मोनेरा, ठीक है। कौन सा किंगडम प्रोवाइड करवाया? फोर्थ किंगडम, कौन सा किंगडम? मोनेरा। किसको प्रोवाइड करवाया? बैक्टीरिया को, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा में कौन आ गए थे? बैक्टीरिया आ गए थे, बिकॉज इनका जो नेचर था, आइदर सेल वॉल की कंपोजिशन लगा लो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन लगा लो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लगा लो, ठीक है, या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लगा लो, तो वो सब क्या था? डिफर था बिल्कुल प्रोटिस्टा के बाकी मेंबर से, तो इनको इन्होंने अलग किंगडम प्रोवाइड करवा दिया। तो फोर किंगडम कौन से आए कोपलैंड के राज में? कोपलैंड जी के राज में आए फोर किंगडम्स हमारे पास। किंगडम प्लेंटी तो था ही, किंगडम एनिमेलिया, फिर किंगडम प्रोटिस्टा, एंड देन फोर्थ किंगडम मोनेरा, क्लियर है। ये फोर किंगडम आ गए, तो ये हो गया फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय, प्रपोज्ड बाय
कोपलैंड इन द ईयर 1956 एंड फोर्थ किंगडम कौन सा था? किंगडम मोरेना, जिसमें कौन इंक्लूडेड थे? बैक्टीरिया इंक्लूडेड थे. क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कौन सा फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आरएच विटाकर ने जो दिया था. ठीक है, इसको नोट करेंगे. तब हम पढ़ते हैं फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो हमारा आरएच विटाकर जी ने दिया था, जिसको हम आज तक जिसके बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं या क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया? आरएच विटाकर ने. ठीक है, इन द ईयर, कौन सी ईयर में दिया? 1969 में. ठीक है, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि चलो प्लांटी हो गया, एनिमेलिया हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, मोनेरा हो गया. अब प्रोटिस्टा को और छांटा तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में निकल के आए जिनकी प्रॉपर्टीज बैक्टीरिया से भी अलग थी, जिनकी सेल वॉल की कंपोजिशन बैक्टीरिया से भी अलग थी. तो उनके लिए इन्होंने एक अलग किंगडम बना दिया पूरा का पूरा. कौन सा किंगडम? फंजाई. ठीक है, तो आरएच विटाकर ने फिफ्थ किंगडम कौन सा इंट्रोड्यूस किया था? किंगडम फंजाई. ठीक है, किंगडम फंजाई किया था. एक तो दो बेसिस थे, किस बेसिस पे किया था? पहला तो सेल वॉल की जो कंपोजिशन है उसके बेसिस पर, और दूसरा किया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर. ठीक है, एक किया था सेल वॉल कंपोजिशन के बेसिस पर और एक किया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर. कैसे? देखिए, इसमें क्या था, हमने अभी तक पढ़ा हुआ है कि जो फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि जो लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड खुद बना रहे हैं, वो तो हो गए प्लांट्स. ठीक है, अब जो इंजेशन की हेल्प से फूड अंदर ले रहे हैं लेकिन वो फूड खुद नहीं बना रहे, किसी और पे अपने फूड के लिए डिपेंड हैं, तो वो हो गए एनिमल्स. ठीक है, अब जो दूसरे के ऊपर ही डिपेंड है अपने फूड के लिए लेकिन वो इंजेस्ट नहीं कर रहे, वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो उस टाइप का न्यूट्रिशन कौन शो करते हैं? फंजाई शो करते हैं. अभी हम आगे पढ़ेंगे ये टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में, मैं आपको बताऊंगी आज की क्लास में ये बात, अभी आप इतना ध्यान रखिए. ठीक है, तो फंजाई एक अलग किंगडम बना दिया. तो अब टोटल कितने किंगडम्स आ गए? फाइव किंगडम्स आ गए. देख लेते हैं अभी फाइव किंगडम्स कौन कौन से थे. फर्स्ट था प्लेंटी, आपको याद ही हो गया होगा. सेकंड है एनिमेलिया, जिसके अंदर एनिमल्स थे. थर्ड आया था प्रोटिस्टा, ठीक है, जिसके अंदर यूग्लिना लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे. फोर्थ आया मोनेरा, सॉरी, जिसके अंदर बैक्टीरिया थे. ठीक है, एंड फिफ्थ वन इज व्हाट? फंजाई, जिनकी सेल वॉल की कंपोजिशन क्या थी? अलग थी, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था? अलग था, जिसको भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हुई. आरएच विटाकर ने मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड क्या दिया था? फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन द ईयर 1969, और ये उनके फाइव किंगडम्स हो गए. अब आरएच विटाकर ने एक बात और कह दी कि भी कौन कौन से करेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर हम ऑर्गेनिजम्स को क्या कर सकते हैं? क्लासीफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो कौन कौन से करेक्टर थे? फाइव करेक्टर्स थे, आपको ध्यान रखने हैं, फाइव करेक्टर्स. ठीक है, ऑन विच ऑर्गेनिज्म, ऑन द बेसिस ऑफ विच, ऑन बेसिस ऑफ विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड. ठीक है, तो कौन कौन से फाइव करेक्टर थे? सबसे पहला तो था सेल वॉल का स्ट्रक्चर. ठीक है, सबसे पहला क्या था? सेल वॉल का स्ट्रक्चर. दूसरा था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. दूसरा क्या था? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, या फिर इसको क्या कह दिया? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर. ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर. थर्ड करेक्टर कौन सा आया हमारे पास? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अभी इसको भी डिस्कस करेंगे हम. ठीक है, फोर्थ कौन सा आया मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद हमारे पास? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसको भी देख लेंगे. ठीक है, एंड लास्ट हमारे पास क्या आया? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. ठीक है, फिफ्थ क्या आया हमारे पास? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. ठीक है, तो ये फाइव करेक्टर्स भी आपको ध्यान रखने हैं कि किन किन करेक्टर के बेसिस पर हम ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं. तो इतना नोट कीजिए, उसके बाद मैं आपको इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में और सेल वॉल स्ट्रक्चर के बारे में, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. ठीक है, इसको नोट कीजिए. ठीक है, नोट कर लिया.
तो अब हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सेल वॉल का स्ट्रक्चर, सेल वॉल का स्ट्रक्चर कि वो प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं, सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा है उसके बेसिस पर, ठीक है। तो यहाँ पे सेल वॉल कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल का मतलब क्या हो गया कि आइदर सेल इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको थोड़ा सा ध्यान रहे कि एक्चुअल में होते क्या हैं ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्या आ गया, फर्स्ट को डिस्कस कर रही हूँ मैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल कि आइदर दे आर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। यू का मतलब आपको पता है बायो में ट्यूब होता है, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। कैरियन का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। तो यानी कि जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस, यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है कि न्यूक्लियस जो है वो क्या होगा, वेल एनवेलप्ड होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, उसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होंगे, तो वो हो गया वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ऐसा न्यूक्लियस जिसके बाहर जो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है उनको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके न्यूक्लियस के बाहर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है वो किस में आएंगे, प्रोकैरियोट्स में, और जिनमें है वो किस में आएंगे, यूकैरियोट्स में। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, बस इतना कह देते हैं हम, ठीक है। और वो डिफाइंड नेचर किससे पता लग रहा है, आइदर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आउटसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। सेकंड आया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेकंड प्रॉपर्टी क्या आई, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या आई, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आया कि आइदर ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ। यूनिसेलुलर कौन होते हैं, जिनमें एक ही सेल प्रेजेंट होता है और वही सेल हर फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। आइदर वो फूड की डाइजेशन का हो, आइदर वो एक्सक्रीशन का हो, आइदर वो रेस्पिरेशन का हो, तो सिंगल सेल ही हर फंक्शन परफॉर्म करेगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। लेकिन मल्टीसेलुलर में क्या होगा, अलग अलग सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। क्लियर है, इसमें क्या होगा, अलग अलग सेल्स प्रेजेंट होंगे, इसमें सिंगल सेल होगा जो कि बॉडी के सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी होगी बात, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर की भी बात होगी। अब थर्ड आया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको ध्यान से समझेंगे, जिसके बेसिस में हमने फंजाई को भी सेपरेट किंगडम प्रोवाइड किया, ठीक है। थर्ड आया हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आइए देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है। मैंने आपको बताया कि एक तो हो गया फोटोऑटोट्रॉपिक, ठीक है, एक मैंने आपको बताया हो गया कौन सा, बताइए कौन सा बताया था, इंजेस्टिव हिटरोट्रॉपी। एक्टिव रहिए बच्चे, इंजेस्टिव हिटरोट्रॉपी, ठीक है। और थर्ड मैंने आपको कौन सा बताया था, एब्जॉर्प्टिव। वहां पर मैंने सिर्फ नाम बताए थे और बोला था कि आगे डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो आ गया है वो टाइम, हम इसको डिस्कस करेंगे हम अच्छे से। तो फोटो ऑटोट्रॉपी, फोटो का मतलब लाइट, ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉपिक का मतलब फूड, यानी कि खुद से सेल्फ, यानी कि सेल्फ फूड प्रिपेयर करना, खुद से फूड प्रिपेयर करना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना अपने फूड के लिए, तो वो होती है फोटो ऑटोट्रॉपी, ठीक है। और इस टाइप का न्यूट्रिशन कौन शो करते हैं, प्लांट शो करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की हेल्प से सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड खुद बना लेते हैं। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को एक नाम मोर देते हैं हम, होलोफिटिक भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, हम होलोफिटिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये नाम आ जाए तो कंफ्यूज मत होना कि भाई ये क्या आ गया, तो इसको होलोफिटिक भी बोलते हैं। इंजेस्टिव हिटरोट्रॉपी, हिटरोट्रॉपी मतलब अपने फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड होना, हिटरोट्रॉपी समझ में आया। अब किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड, किसी दूसरे ने फूड बना के दे दिया और वो फूड हमने खा लिया, तो इंजेस्ट कर लिया हमने, तो दैट इज दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड व्हाट,
इंजेस्टिव हिटरोट्रॉपी, जो कौन शो करते हैं, एनिमल शो करते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या नाम दिया, एक और होलोजोइक, यानी इनको हम होलोजोइक भी बोलते हैं इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को, ठीक है। ये हो गए प्लांट शो करेंगे, ये कौन हो गए, एनिमल्स शो करेंगे, ठीक है। थर्ड आया हमारे पास एब्जॉर्प्टिव हिटरोट्रॉपी, इसको ध्यान से समझेंगे। एब्जॉर्प्टिव हिटरोट्रॉपी को, हिटरोट्रॉपी तो वही हो गया कि दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं अपने फूड के लिए। अब यहाँ पर एब्जॉर्प्टिव का मतलब क्या है, जैसे मैंने बात की फंजाई की, ठीक है। फंजाई क्या करते हैं, ऐसे नहीं करते कि मतलब किसी दूसरे ने उनको फूड बना के दे दिया और वो फूड उन्होंने एज इट इज़ इंजेस्ट कर लिया, ना ना ऐसे नहीं करते फंजाई। तो कैसे करते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी से कुछ एक एंजाइम्स रिलीज करते हैं। फंजाई क्या करते हैं, अपनी बॉडी से कुछ एक एंजाइम्स रिलीज करते हैं, और वो एंजाइम्स क्या करते हैं, उस फूड को बिल्कुल छोटे 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 पार्ट में तोड़ देते हैं। उस फूड को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया तो अब वो फूड कौन ईजिली वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, फंजाई, ठीक है। तो ये होती है एब्जॉर्प्टिव हिटरोट्रॉपी। क्लियर है कि हेल्प किसकी हेल्प से, एंजाइम की हेल्प से फंजाई ने क्या किया, फूड को कॉम्प्लेक्स से सिंपल में तोड़ दिया और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसको हम एक और नाम देते हैं, क्या, सेप्रोट्रॉपिक, सेप्रोट्रॉपिक, ठीक है। क्या नाम दिया इसको, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये कौन शो करते हैं, फंजाई शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टार लगा के बाद लिख लेंगे कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट थे, एंजाइम्स प्रेजेंट थे, जो कि क्या करते हैं, फूड को किसमें, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में ब्रेक कर देते हैं, और वो सिंपल फूड फिर कौन ले लेते हैं, फंजाई एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब बाय फंजाई। क्लियर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन अच्छे से बिल्कुल। अब इसके अलावा क्या हुआ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही किसी भी ऑर्गेनिज्म के इकोलॉजिकल रोल को भी डिटरमाइन करता है, ठीक है। कैसे, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको देखते हैं। इतना नोट कीजिए पहले आप, ठीक है। मैंने क्या कहा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही किसी भी ऑर्गेनिज्म के इकोलॉजिकल रोल को भी डिटरमाइन करता है। इकोलॉजिकल रोल क्या होता है बताइए, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है आपने। इकोलॉजिकल रोल होता है बच्चे कि फूड प्रिपेयर कर रहे हैं अगर अपना खुद से तो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दे आर कॉल्ड व्हाट, प्रोड्यूसर्स। अगर वो फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे, कंज्यूमर्स बोलेंगे। अगर वो एंजाइम की हेल्प से फूड को तोड़ रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजर्स बोलेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या करता है, ऑल्सो डिटरमाइन दी इकोलॉजिकल रोल। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑल्सो डिटरमाइन द इकोलॉजिकल रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कि अगर वो फोटोटोट्रॉपिक है, होलोफिटिक है, अगर वो होलोफिटिक है तो वो क्या है, प्लांट्स हैं, तो यानी कि वो क्या हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, ठीक है, ओके। अगर वो होलोजोइक हैं, यानी कि वो एनिमल्स हैं, तो वो क्या हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, ठीक है। थर्ड, कि अगर वो सेप्रोफिटिक हैं तो वो क्या हो गई, फंजाई हो गए, और वो क्या हो गए, हाँ जी अभी बताया मैंने आपको, डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो वो क्या हो गए, डिकम्पोजर्स हो गए, ठीक है। कि अगर होलोफिटिक है तो प्लांट्स हैं, दैट इज देयर इकोलॉजिकल रोल इज व्हाट, प्रोड्यूसर्स। होलोजोइक है तो एनिमल्स हैं, इकोलॉजिकल रोल इज व्हाट, कंज्यूमर्स। सेप्रोफिटिक है तो फंजाई हैं, इकोलॉजिकल रोल इज व्हाट, डिकम्पोजर्स। क्लियर है कि कैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिटरमाइन करेगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का इकोलॉजिकल रोल, क्लियर है। इसके बाद फोर्थ आती है हमारे पास मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग है। जैसे प्लांट्स में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अलग अलग है, वेजिटेटिव भी है, सेक्सुअल भी है, एसेक्सुअल भी है। एनिमल्स में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, अलग तरीके से है, ठीक है। तो फंजाई के अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अलग तरीके से है, स्पोर्स आ जाते हैं इसमें, ठीक है। एल्गी के अंदर
मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अलग तरीके से है, उसमें फ्रेगमेंटेशन होती है, ठीक। तो ऐसे क्या हो गया, अलग अलग आ गए हमारे पास ऑर्गेनिजम्स और उनके अंदर अलग अलग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आ गया। फिफ्थ था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, वही है कि हम किसी की भी प्रिमिटिवनेस को ध्यान में रखकर, ठीक है, और उसको हम फर्दर आगे क्लासीफाई करने की ट्राई करें, उसकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को ध्यान में रखें उस ऑर्गेनिज्म की, यानी कि उसकी इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें, ठीक है। तो इतनी बात भी क्लियर होगी, फाइव के फाइव करेक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं आपको एक साइंटिस्ट का नाम बता रही हूँ, अर्नस्ट मेयर, ठीक है, अर्नस्ट मेयर। इन्होंने 1964 में क्या दिया, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अर्नस्ट मेयर ने क्या किया था 1964 में, क्या दिया था, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, ठीक है। बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया था इन्होंने, ध्यान में रखेंगे, अर्नस्ट मेयर ने, ठीक है। इन्होंने कहा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हैं तो उसका बेसिस क्या है, उसका बेसिस है स्पीसीज, क्योंकि स्पीसीज से ही तो स्टार्ट हो रही है हमारी टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, लिविंग वर्ल्ड के लास्ट लेक्चर में, कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जो बेसिक है वो क्या है, स्पीसीज ही तो हैं। क्या थी वो स्पीसीज ही तो थी, ठीक है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स जो कि इंटरब्रीड कर सकती हैं आपस में, ठीक है, विच आर एबल टू इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ये पढ़ चुके हैं हम स्पीसीज की डेफिनेशन। तो यानी कि स्पीसीज ही तो है जिससे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी स्टार्ट हो रही है। तो किसी की भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है, स्पीसीज है। और ये बात किसने बताई थी हमें, अर्नस्ट मेयर ने बताई थी 1964 में, क्लियर है। ओके बच्चे, अब क्या बात आई हमारे पास कि जो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, हमने पढ़ा कि उसको वो वेल एक्सेप्टेड है आज भी, ठीक है, लेकिन उसकी एक ड्रॉबैक थी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम कहते हैं इसकी ड्रॉबैक, वो क्या थी बच्चे, कि उस टाइम पर वायरस जो थे वो इंक्लूड नहीं थे। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में वायरसेस जो थे इंक्लूड नहीं थे, ये ड्रॉबैक थी आरएच विटाकर के फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो ध्यान में रखेंगे जो मैं बोल रही हूँ, मैं लिख भी देती हूँ आपको कि जो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसकी ड्रॉबैक क्या है, कि वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लियर है, ओके। वैसे तो एक और है इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता देती हूँ कि एल्गी का, एल्गी को हम क्लासिफाई नहीं कर पाए थे कि ये एल्गी यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, कौन, हम नहीं, आर एच विटाकर जी, ठीक है, एल्गी को भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए थे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे कि वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। तो ये भी इनकी क्या रही थी, ड्रॉबैक थी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा बच्चे, हमने पढ़े फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। फर्स्ट टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय लीनियस, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय हैकल, इसके अंदर एक थर्ड किंगडम आया प्रोटिस्टा। फिर उसके बाद फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय कॉपलैंड, ठीक है, इन 1956। और इसके अंदर फोर्थ कौन सा किंगडम आया, एक और मोनेरा, जिसके अंदर कौन इंक्लूडेड थे, बैक्टीरिया इंक्लूडेड थे। और उसके बाद लास्ट आया फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर एच विटाकर, विच इज वाइडली एक्सेप्टेड, ठीक है, एक्सेप्टेड। और इसमें क्या थे, फाइव किंगडम थे प्लेंटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड फंजाई, ठीक है। और फाइव करेक्टर्स भी मैंने आपको बता दिए जो जो डिस्कस किए हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए। तो क्लियर है। एक चीज़ और बताती हूँ आपको मैं, वो ये है बच्चे कि हमने पढ़ा जो कैरोलस लीनियस है ना, हमने क्या पढ़ा, जो कैरोलस लीनियस हैं, इन्होंने, कैरोलस लीनियस ने इनको क्या बोला, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं इनको, ठीक है, कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं।
क्योंकि इन्होंने दोनों दिए थे, फादर, इनको फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं, फादर ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम इनको कंबाइन करके बोल दिया कि ये क्या है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, क्लियर है। लेकिन फादर ऑफ एंशियंट प्लांट टैक्सोनॉमी किसको बोला था, थियोफ्रेटस को बोला था, याद रखना। थियोफ्रेटस जो थे इनको क्या बोला था, फादर ऑफ बॉटनी तो थे ये, इसके साथ साथ इनको क्या बोला, फादर ऑफ एंशियंट प्लांट टैक्सोनॉमी, ठीक है। और फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी लीनियस, फादर ऑफ एंशियंट प्लांट टैक्सोनॉमी थियोफ्रेटस, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक लेके, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ही। ओके बच्चे, तो पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ लिया करो, ठीक है बेटे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज़।